अस्सलाम वालेकुम, ज़ूलॉजी फुरकान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम जनरल साइंस ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसमें अपना टॉपिक जो है वो नर्व, उससे स्टार्ट करेंगे। तो नर्व इज़ ए केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन इंक्लोजर इन अ कॉमन शीट, यानी जितना भी आपका नर्व होगा वो एक जो है वो केबल लाइक जो है वो अपीयरेंस होगी बंडल ऑफ एक्सॉन्स की, यानी जिसका एक इंसुलेटेड जो वायर होती है उसमें कॉपर की जो है वो ब्रशेज होते हैं या कॉपर वायर होती है, उसी तरह यहाँ पर भी नर्व जो है वो बंडल ऑफ एक्सॉन की केबल होगी। और इसका फंक्शन क्या होगा कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेजेस को जो है वो ट्रांसमिट करना। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। फंक्शन की बेस के ऊपर इनकी तीन टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करना फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, यानी सेंस ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं, ईयर है, आईज, स्किन, टंग, नोज, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक उस मैसेज को पहुंचाना, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। जबकि दूसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो आपकी मोटर न्यूरॉन्स हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कलेक्ट करें और इफेक्टर्स तक जो आपके मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि एक अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो। यानी कोई भी इंजरी होती है या कोई भी कोई हैजरस इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर या कोई स्टिमुलस ऐसा होता है जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, तो मोटर न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मैसेज जो है वो पिक करेंगी और जो इफेक्टर्स होंगे मसल्स ग्लैंड्स वहाँ तक पहुँचाएंगी, ताकि एक जो है वो अच्छा सा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो। इंटर न्यूरॉन्स क्या होंगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगी, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हैं जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं। इनका काम क्या होगा, ये आपकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करेंगे ताकि रेस्ट ऑफ द बॉडी तक मैसेज को पहुँचाया जा सके। अब आपके सामने ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ आपके पास डेंड्राइट्स भी हैं, ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट कर रही हैं एक्सॉन्स में। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि नोड टू नोड जो है वो एक्सॉन्स में नर्व इम्पल्स जो होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जंप करती हैं। तो डेंड्राइट्स का मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये मैसेजेस जो है वो रिसीव करेंगी टुवर्ड्स सेल बॉडी, और एक्सॉन का काम क्या होगा, ये ट्रांसमिट करेंगी नर्व इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को या नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब इसी तरह नेक्स्ट सेल बॉडी जो होगी वो उसके साथ जो है वो जॉइंट होगी नेक्स्ट टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन के साथ, और फिर फर्दर ये जो मैसेज है ये कन्वे होगा टुवर्ड्स इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आपकी जो होंगी वो कोऑर्डिनेटर के पास जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं वहाँ पर मौजूद होंगी, ये पहले मैसेज को जो है वो असेंबल करेंगी, रीड आउट करेंगी, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट जो है वो मैसेज देंगी थ्रू मोटर न्यूरॉन को, ताकि वो इफेक्टर्स तक जो कि आपके मसल्स और ग्लैंड्स हैं वहाँ तक एक जाएँ और एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करवाएँ। यानी सेम सीक्वेंस है, सेम फैशन है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होंगी वो जो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से मैसेज को रिसीव करेंगी, और कोऑर्डिनेटर जो होंगे जहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स होंगी वहाँ तक मैसेज लेके जाएंगे, और आगे कोऑर्डिनेटर जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन को देंगे, ताकि वो जो आपके आगे इफेक्टर्स हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाए, ताकि एक जो है वो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो। थैंक यू।